होता है ना कि झलकते हैं, झलक जाते हैं आदिनाथ भगवान। भक्तामर जो फिर पढ़ रहे हो, झलक जाते हैं आदिनाथ भगवान, नहीं झलक, क्या झलकता है? घर गृहस्थी चौका क्या झलकता है? क्या झलकता है जब आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, सामान्य से पढ़ते हैं तो झलकता कुछ नहीं है। भाव कौन से होते हैं? भाव ही नहीं होते हैं। यानी आप इतने सहज रहते हैं कि जो हो रहा है सो होने देते हैं, टेंशन ही नहीं लेते आप। हाँ, इतना सोचते ही नहीं कि कोई हम भाव भी लाए, हम जो हो रहा है सो होने दो ना। यानी जब भाव लाने की आवश्यकता होती, व्यक्ति इतना सहज हो जाता है, और जहां सहज होने की आवश्यकता होती वहां भाव ला लेता है। घर गृहस्थी के कार्य में, आपस के उलझन वाले कार्यों में, मनमुटाव के कार्य में, जहां एक दूसरे से जब बातचीत हो रही है, अथवा किसी व्यक्ति की कोई विशेष बात स्मरण में आ जाती है, स्मृति का विषय वो बन जाती है, तो उस समय सहज होना चाहिए था, आकर के निकल जाना चाहिए था, लेकिन उस समय व्यक्ति अटक जाता है, बाकायदा उस घटनाक्रम को विजुलाइज कर लेता है, सोच लेता है, एज इट इज ला लेता है। और जहाँ उसे विजुलाइजेशन करना चाहिए था, प्रभु को लाना चाहिए था अपने मनोमस्तिष्क में, आप कह रहे कि हम तो सहजता से पढ़ लेते हैं, क्या झलकते हैं? नहीं, क्या झलकते? भगवान झलकते हैं। अच्छा, स्त्री नाम शतानि शतशो जनयंति पुत्र। अच्छा, भगवान की माता झलकती है, यानी स्त्री प्रेम में माता ही याद आती है, भगवान याद नहीं आ रहा, भगवान की माँ याद आ रही। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं व्यक्ति वहीं मुड़ जाता है जो अंदर से होता है, जो उसी ओर झुकता चला जाता है। कहता कहा जाता है ना, घुटना जब भी मुड़ता तो पेट की तरफ ही मुड़ता है, घुटना और कोई नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा तो पेट की ओर ही घुटना आता है, मुड़ता है। तो प्रायः व्यक्ति के मन में वही भाव आ जाते हैं, उसी वही कंडीशन आ जाती है जो वो उस जिस रूप वो जीता चला जाता है, सोचता चला जाता है। अच्छा, 45वां श्लोक पढ़ते हो, उद्भूत जलोदर भार भुगना भगना। हाँ, उस समय तो शरीर के रोग याद आ जाते हैं, कष्ट है। यानी कितनी ज्यादा उससे लगन है रोगों से। हाँ, अच्छा, और अच्छे से पढ़ने लगे क्या? क्योंकि सबको अपने रोगों से दूर उठना है, उठना होना है, कष्टों से ऊपर उठना है, दर्द बहुत है, पेन बहुत है, उसे जीतना है, तो तब से ज़्यादा। अच्छा, और पढ़ करके ऐसे से पूरा एनर्जी ले लेते हैं पूरे शरीर में स्पर्श करके, हाँ, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल जाए और हम पेन से ऊपर उठ जाएँ। तो 45वां श्लोक पेन रिलीफ है, आपका पेन रिलीवर है ना, जैसे मूव होती है, पेन रिलीवर होती है, आइडेक्स होती है, तो ऐसी 45वां श्लोक क्या हो गया आपका? पेन रिलीवर हो गया, नहीं हो गया। क्यों उसमें भाव लग जा रहे हैं? क्योंकि हमेशा आपकी भावना ही रही है, अरे बड़ी रुग्ण काया है, दर्द है, पीड़ा है, उससे जीतना है। सहजता से वो भाव क्यों आ जाता है? क्योंकि आप दिन रात वो सोचते हो। सामान्य में वो सोच उत्पन्न नहीं होती, हम ये कहना चाह रहे हैं, वो सोच उत्पन्न होती विशेष में। नमो और यहंताणा में वो सोच जनरली नहीं उत्पन्न होती है। हाँ, व्यक्ति यदि इतना समझदार है, इतना विवेकशील है, तो नमो और यहंताणा में भी पैदा कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सोच सामान्य स्तर की होती है तो नमो और यहंताणा में वो चित्र नहीं दिखेंगे, वो प्रभु नजर नहीं आते हैं। आदिनाथ भगवान की जय हो, भक्तामर कहोगे तो वह विशेष रूप से भगवान की प्रतिमा, वो रूप झलकने लगता है। झलकता है ना? नहीं झलकता। अब इसमें भी नहीं झलकता है तो थोड़ा सी परेशानी वाली बात है। तो यहाँ झलकना चाहिए, आपने इसे सहज बना लिया है, पढ़ करके छोड़ देते हैं, और जहाँ सहज रहना चाहिए वह पकड़ लिया है।
जितने भी आर्त और रौद्र ध्यान के निमित्त मिलते हैं, व्यक्ति उसे गहराई से पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। वहां प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए थी? आने और जाने वाली होना था। वो भाव आया, चला गया। वो विचार याद आया, वो चला गया। उस व्यक्ति की घटना याद आई, चली गई, हमने छोड़ दी। लेकिन यहां तो पकड़ना चाहिए, कोशिश करो पकड़ने की, वो विशेषता लाने की कोशिश करो। तो ये प्रभु का जो नाम कीर्तन है, वो कीर्तन रूपी जल है, शमित करने वाला है। शमयति, किसको शमित कर लेता है? अशेषम, उस अग्नि को, संपूर्ण अग्नि को वह शांत करने वाला हो जाता है। यानी प्रभु की भक्ति का एक श्लोक अथवा प्रभु की भक्ति का वह एक सूत्र भी जो है, यदि सच्चे हृदय से, भीतरी भाव से पढ़ा जाए तो हमारे लिए बहुत अनुकूल माहौल बहुत इजीली पैदा कर देता है। कोशिश इस प्रकार से की जानी चाहिए। अच्छा, संस्कृत में ज्यादा मन लगता है, हिंदी वाले काव्य में ज्यादा मन लगता है, पद्यानुवाद जो पढ़ते हो उसमें ज्यादा मन लगता है, मूल श्लोक वाले में, मूल में किस में लगता है? संस्कृत वाला। हाँ, जिसे अर्थ समझ में आ गया है तो उसको तो लग ही जाएगा, लेकिन जिसे नहीं समझ में आता है वह कोशिश करता है मैं हिंदी पद्यानुवाद, तो भी लग जाता है। हाँ, भले हिंदी में मन लग रहा है तो हिंदी से फिर लौट करके हमें संस्कृत मूल श्लोक में ही आना है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर यह जो श्लोक नंबर 40, उस अग्नि को शांत करने वाला, बाहर की अग्नि को, कर्मों की अग्नि को और हमारे कषायों की अग्नि को और सामने वाले व्यक्ति की कषायों की अग्नि को भी शांत करने वाला, शमित करने वाला यह श्लोक है। हाँ, 39वां श्लोक हम मत आए, अभी रिवाइंड नहीं कर रहे, कैसेट बाद में हो जाएगी, पहले अभी पूरा कर लें फिर बाद में। अब फिर एक प्रश्न उठता है, हम भक्ति करेंगे, हम श्लोक पढ़ेंगे तो सामने वाले की अग्नि कैसे शांत हो जाएगी, कसाय रूपी क्रोध रूपी अग्नि? कोई बता सकता है? सामने वाले व्यक्ति भड़क रहा है, एकदम बहुत तीव्र उसके भाव हो रहे हैं, चिल्ला रहा है, अब शब्द कह रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और आप ये श्लोक पढ़ने लगो तो वो शांत कैसे हो जाएगा, बताओ? यहाँ लिखा तो यही है, लिखा यही है ना, श्लोक का भाव क्या निकल रहा है? जब व्यक्ति यह कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्प में श्लोक पढ़ेगा तो वह अशेष संपूर्ण अग्नि शांत कर देगा। तो सामने वाले की अग्नि, क्रोध अग्नि अथवा कषाय रूपी अग्नि कैसे शांत हो जाएगी, बता सकते हो? कि ऐसी लिखा है इस कारण, हाँ, उस पर परिवर्तन, उस पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, हमारे श्लोक पढ़ने से सामने वाले व्यक्ति पर इफेक्ट कैसे पड़ जाएगा? पढ़ा आप रहे हो और रिजल्ट वहां मिल रहा है, कैसे संभव है? यदि आप पढ़ रहे हो तो इफेक्ट तो आपके भीतर पैदा होगा, लेकिन यहां कहा जा रहा है आप यह स्तोत्र पढ़ रहे हो, श्लोक पढ़ रहे हो, भक्ति पढ़ रहे हो और इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति में पैदा हो रहा है, कैसे संभव है? कोई बता सकता है? अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तो ये बता दो, कितना विश्वस्त हैं आप? हो सकता है, कैसे हो जाएगा, संभव कैसे होगा? हाँ, जैसे रेकी करते हैं अथवा हीलिंग करते हैं तो वहां भावनाओं का संप्रेषण होता है ना, जो रेकी मास्टर होता है अथवा हीलिंग मास्टर होता है, जो व्यक्ति, वो और कुछ नहीं करता, अपनी उस संवेदनशील भावनाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है सोच करके। तो जब आप सामने वाले को बहुत क्रुद्ध देख रहे हैं तो आपका परिणाम इस श्लोक को पढ़ने से इतना साम्य भाव में भर जाता है, इतना प्रशांत भाव से भर उठता है और उसके प्रति आप भावना भर रहे हैं तो नियम से उस वाइब्रेशन का इफेक्ट सामने वाले पर भी पड़ता है। यदि वो सामने वाला उबल रहा है तो उसकी वाइब्रेशन का इफेक्ट हम पर भी पड़ता है, होता है ना, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, अपशब्द कह रहा है,
तो हमें भी अनईजी फील होने लगता है। और जब हम इस मांगलिक भावना से पढ़ेंगे तो हम उस पर डोमिनेट हो जाएंगे, उस पर हावी हो जाएंगे। अप्रशस्त के ऊपर प्रशस्त हावी हो जाएगा। अभी जनरली होता है कि प्रशस्त के ऊपर अप्रशस्त हावी होता है। क्षमावान व्यक्ति जो है, कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, वो प्रभावित हो जाता है सामने वाले क्रोधित व्यक्ति से। लेकिन आपकी पोटेंसी इतनी अच्छी है, आपकी सोचने का ढंग इतना अच्छा है, आपकी भावना इतनी मजबूत है, उस भावना का परिणाम ये हो जाता है कि उसकी वो क्रोधाग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान के सामने व्यक्ति क्यों नहीं उबलता है, हमें तो कारण बता दो। आचार्य भगवान के सामने क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी शांत क्यों हो जाता है, रीजन बताओ उसका। रीजन पकड़ना सीखो। उनकी वर्गणाओं का प्रभाव, उनकी सोच का प्रभाव, उनकी साधना का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव। आप कहोगे अच्छा सी की तपस्या का प्रभाव। तपस्या बेसिकली चीज क्या है? संयमित परिणाम, अच्छा परिणाम, शुभलेश्य का परिणाम, जिससे हमारा ऑरा अच्छा बनता है। अब हमारे ऑरा की रेंज में वो आ जाएगा। जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो नियम से हमारी लेश्या शुभ ही होगी, अच्छी ही होगी। और जब वो इस स्तर की हो जाए तो वह उस सामने वाले व्यक्ति पर हावी हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? 9:30 बजे क्या बोल रहे थे? प्रणय नीचे नहीं आता तो रोज हमें डांट खानी पड़ती है। प्रणय नीचे नहीं आता दुकान में ना, हाँ, वो ऊपर रहता है तो डांट हमें खानी पड़ती है उसके बदले। नहीं, ये तो अलग अपने चुकीस बता दिया। नहीं तो पर यदि आप सच्चे भावों से पढ़ेंगे तो असर बिल्कुल होता है। तो सामने वाला क्रोध कर रहा है, सामने वाला कंटिन्यू क्रोध कर रहा है, अपन कब तक मौन रहे देखते रहते हैं। तो हमने वही बोल रहे हैं कि हम याद कर लेंगे तो सामने वाला क्रोध ही नहीं। हाँ, करके आज आप तो ट्रायल करके देखो, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल होगा। पर अच्छे अंदर के भावों से पढ़ना, समझ में आ रहा है? तो मात्र वो बाहर की अग्नि ही शांत नहीं होती है, सामने वाले की क्रोधाग्नि, कषायों की अग्नि भी, उसमें चेंजेस अवश्य आते हैं। पूरी ना शांत हो तो, लेकिन चेंजेस तो अवश्य आते हैं, होता है, बिल्कुल असर पड़ेगा। हम बहुत निर्मल बना करके रखें अपने भावों को, वो चिल्ला रहा है, हम कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमारा रिएक्शन कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बल्कि हम अपने ही कार्य में व्यस्त हैं, अपने ही धर्म ध्यान की भावना में व्यस्त है, श्लोक के पढ़ने की भाव में व्यस्त हैं। तो सामने वाला कितना चिल्लाएगा ये बताओ। अच्छा, चिल्लाना कब होता है? जब वहां से कुछ सुनाई देता है, आपसे भी कुछ निकलता है, दोनों तरफ से ये एक्शन रिएक्शन होते रहता है, तो ये बढ़ते चला जाता है। अब वहां से जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन आप थोड़ा अपोजिट ही कर रहे हो, यानी आप शांति से बैठे हो अथवा तो भक्ति कर रहे हो, तो वो आपके उस शांत परिणाम को देख करके, आपके उस फेस एक्सप्रेशन को देख करके थोड़ी देर बाद अपने आप ही हो जाता है ना। हाँ, ये तो सब जैनिज्म की बात हुई, लेकिन जो नॉन जैन है, हाँ, जिनको नहीं पता उनका क्या, वो तो कहेंगे क्या बोल रही है, चुप हो जा, वो तो यही रिएक्ट करेंगे ना। नहीं, उसके बोलने के ढंग को देख करके हम इतने अंदर से प्रशस्त रहें कि हमारा चेहरा देख करके अपने आप वो शांत हो जाए। वो सोचेगा देखो यार, मैं कितना बोलने जा रहा हूँ, अपशब्द बोले जा रहा हूँ, सुनाया जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है उस पर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे सामने वाला अपन से बिल्कुल बोलवो नहीं चाहे और अपन उसे बैर बांधो नहीं चाहते हैं, तो वो सामने वाले बिल्कुल नहीं बोले, अपन बोलो तो कहते इनकी जबरदस्ती अटकी, तो जे जबरदस्ती बोला था ना नहीं बोल रहे, तो क्या कर महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, उनका कहना ये है कि सामने वाला हमसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन हम उसके प्रति अपनी कोई कषाय रखना नहीं चाहते, तो हम उससे मतलब अपने मन से हमने उसको ज्यादा कुछ नहीं जजनेन कर लिया, हालचाल पूछ लिया,
तो वो ये रिएक्ट करता है कि ये मेरे से जबरदस्ती बोलते हैं मुझे। महाराज जी उनका कहना है कि हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर नहीं बोल रहा तो वो बैर तो बना रहेगा ना। नहीं नहीं, बैर बना रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। अब जैसे पार्श्वनाथ भगवान की घटना है, कमट का जीव माफ नहीं कर रहा था तो नहीं कर रहा था, पर उन्होंने तो अपनी तरफ से माफ कर दिया था तो वैर छूट जाएगा। हमारे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है तो वैर छूट जाएगा। वह व्यक्ति आज नहीं कल रियलाइज करेगा इस विषय को लेकर के, वो नहीं बदलना चाहता, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं वो कंडीशन में। लेकिन जनरली ये होता है कि हम अच्छी भावना रखते तो धीरे धीरे वो शांत होता है। महाराज जी अगर सामने वाला बोलता जा रहा है, हमने उसको कुछ रिएक्ट नहीं किया और हमारे ऑरा से या हमारे शांत परिणामों से भी कोई इतना कठोर परिणाम ही है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हम उसकी गलत बात को सहन करते चलें या उसका प्रतिकार, मतलब वो सैचुरेटेड पॉइंट कहाँ तक होना चाहिए? कई बार इस बात पे आ चुके हैं कि हमारे धैर्य का लेवल क्या हो, हमारे धैर्य का लेवल क्या हो, तो वो कब तक? अगर हमारे अच्छे भावों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हम रिएक्ट नहीं कर रहे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि उसको अपोजिट ही जा रहा है। आगम में उसका सॉल्यूशन है मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो कहा। हाँ, तो हमारा मौन रहना मध्यस्थ ही तो है। न्यूट्रल हो जाना उस समय, इग्नोर कर देना, छोड़ देना, द्वेष नहीं रखना। लेकिन उस समय से द्वेष का भाव, अगर द्वेष होता तो फिर तो वाद प्रतिवाद होगा। हाँ नहीं, न्यूट्रल होना थोड़ा आसान नहीं होता है। लगता है कि हम न्यूट्रल हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो द्वेष पलता रहता है। कई बार हम मौन हो जाते और हम समझ गए हैं, समझते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाती है। जहाँ न्यूट्रलिटी आ जाती है, वह व्यक्ति अंदर से उस समय भी बिल्कुल शांत रहता है, सहज रहता है, अंदर से वो हाइपर नहीं होगा कभी भी। इस बात को समझे। एक बहुत बड़ा भ्रम व्यक्ति के अंदर पलने लगता है कि देखो सामने वाला मुझसे कह रहा है, मैंने तो इग्नोर कर दिया है, मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ, अब मैं तो बहुत अच्छा हूँ। पर मौन के भी कई अर्थ होते हैं। मौन है इस कारण समता बनी ही है, नॉट नेसेसरी। नहीं तो कई बार मौन हो और समता भी अंदर से बनी रहे तो समझना न्यूट्रल है। तो सही है, बाहर से मौन है लेकिन अंदर ही अंदर आप बिलख रहे हैं, सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, उसी के चिंता में घुले जा रहे हैं, तो फिर ये मौन नहीं है, ये तो बाहर का मौन हुआ, ये बाहर की न्यूट्रलिटी हुई। हम अंदर की न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। अंदर से वो भाव छोड़ो, यानी आपकी सहजता उस मौन में ना खोए, सहजता बरकरार रहे। Thank you.